नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक कैसे चेक करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं होगा तो आपको सरकारी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे पेंशन का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा या किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। तो आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं होगा तो आपको सरकारी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको देखना है आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के साथ लिंक है या नहीं है। अगर आपका लिंक होगा तो चेक हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपको डीबीटी के साथ लिंक करवाना होगा। ब्रांच से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका नहीं है तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, हम उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप चेक कीजिएगा। अगर आपका लिंक होगा तो आप लिख लीजिएगा, गुड लिखिएगा। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आप लोग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे चेक करना है डीबीटी के साथ आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप चेक कर पाएंगे, नहीं तो आपका स्टेप आगे पीछे होगा तो फिर आप लोग का कमेंट आएगा कि चेक नहीं हो पा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र में आपको टाइप करना है डीबीटी भारत लिख के टाइप कर देना है। जैसे आप डीबीटी भारत लिख के सर्च करेंगे आपके सामने डीबीटी का वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऑप्शन है आधार UIDA, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से आपको चेक करना है डीबीटी स्टेटस लिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं एक ऑप्शन है सिटीजन कॉर्नर का, एक ऑप्शन है ऊपर में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग, जो कि 4 नंबर पे है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको दर्ज करना है, जैसे कि आपको इस बॉक्स में आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड है 9A, तो सेम टू सेम कैप्चा कोड हम इस बॉक्स में टाइप करेंगे 9A07 07, और F ये कैप्चा कोड हमारा है। तो सेम इसी तरीके से आपको अपना सबसे पहले आधार नंबर एंटर करना है, फिर कैप्चा कोड और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। दोस्तों आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड के साथ, यानी हमारा बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और सीडिंग जो हुआ है 2016 में हुआ है, और बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है। आप देख सकते हैं आधार नंबर लास्ट का 2444 है, आधार नंबर लास्ट का, और बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है। बैंक सीडिंग डेट देखने को मिल जाएगा, बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, आपका डीबीटी से कौन सा बैंक लिंक है यहाँ पे। जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट सीडिंग होगा यानी कि डीबीटी से लिंक होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट डीबीटी के साथ लिंक है या नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप बैंक ब्रांच जा कर के डीबीटी के साथ लिंक करवा सकते हैं, या आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग का कौन सा बैंक है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगा। अभी हमारा लिंक है तो मैं वीडियो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।